तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। देखिए मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं बहुत ही बड़ा न्यूज लाया हूँ यहाँ पर, और देखिए ये आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाली है। प्लीज यार वीडियो को जरूर देखना ध्यान से, ठीक है, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। देखिए जो भी मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, ठीक है। जो मेरा पर्सनल बात है मैं वही बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो शेयर बिल्कुल करना यार, बिल्कुल वीडियो शेयर करना। सभी को मेडिकल कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना है, सभी को मेडिकल कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है, सभी को मेडिकल कॉलेज में जाना है विदाउट एग्जाम दिए, ठीक है। MBBS में सीट दिलवाऊंगा, मैंने कहा ना मैं MBBS में सीट दिलवाऊंगा, गारंटीड मैं कहता हूँ MBBS में सीट दिलवाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि मैंने ये कहा कि मैं आप लोगों को MBBS में सीट दिलवाऊंगा, ठीक है, वो भी बिना एग्जाम दिए, ठीक है। चलिए बताता हूँ, देखिए एक्चुअली मैं है क्या, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं जो देखिए ये तो यूट्यूब पे नहीं बताना चाहिए, मुझे ही पता है ये बात तो इतनी फैलाने जैसी नहीं बात है, क्योंकि ये सब बात अगर सीक्रेट जो टॉप सीक्रेट वाली बात होती है ना वो सब है तो ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है। एक्चुअली मैं है क्या कि मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा है कि जिनको भी अगर MBBS में एडमिशन चाहिए या फिर जो नीट है, नीट जो यूजी जो भी नीट अभी सबके लिए जरूरत है नीट, तो नीट एग्जाम में अगर किन्हीं स्टूडेंट को अगर जरूरत है तो वो उनको कुछ रुपए पे करके सीटिंग में अरेंजमेंट कुछ भी करवा सकते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मीन्स उनका कहने का मतलब है कि आप मुझे पहले 1 लाख समथिंग कुछ दोगे, पे करोगे, एंड देन उसके बाद वो क्या करेंगे आप लोगों का वहां पर कुछ जो भी है वो हेल्प कर सकते हैं आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद उसके थ्रू आप लोगों को वहां पर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, MBBS कॉलेज में, ठीक है। तो आई नो मुझे ये तो यूट्यूब में नहीं बताना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है मुझे पता है, बट मैं भी फिर भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो सर देखिए जिनको भी एडमिशन चाहिए वो इस टाइम से कर सकते हैं, फिलहाल वो 1 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपीज़ अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, फिर जब उनका MBBS कॉलेज उनका मिल जाएगा तो लगभग 30 से 40 लाख रुपए उनको देना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट सीट, ओके, तो उनको गवर्नमेंट सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ये करना चाहते हैं तो एक बार प्लीज बोलिएगा, ओके। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो गाइस मैं बिल्कुल समझा दूं आप लोगों को, ठीक है, ये बिल्कुल और बिल्कुल ये गलत न्यूज है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ठीक है। देखिए कुछ दिन से एक्चुअली अभी क्या चल रहा है, मैंने बहुत बार गौर किया है, मुझे भी कॉल आया था, कुछ स्टूडेंट जो मेरे हैं उनको भी कॉल आया था, आप लोगों से कहा जा रहा है कि सर मुझे आप लोग 1 लाख रुपए दो, मुझ पर ट्रस्ट करो, आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मुझ पर ट्रस्ट करो, आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए मैं दिलवाऊंगा, मैं दिलवाऊंगा, गारंटीड रखिए मैं दिलवाऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 1 लाख रुपए ओनली डिपॉजिट करने हैं, एग्जाम टाइम में सीटिंग, अरे भाई एग्जाम टाइम में उसके कौन से रिश्तेदार बैठे हैं यार जो शेडिंग कर देंगे मुझे बताओ, ठीक है। तो बिल्कुल मेरी ये जो न्यूज थी बस इसलिए थी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये न्यूज इस प्रकार थी, मैंने कोई भी गलत बात नहीं बोला है यहाँ पर, मैंने एक बस एक आप लोगों को बात समझाई कि कोई भी आप लोगों को अगर ऐसा कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, मैं आपको गवर्नमेंट सीट दिलवा दूंगा, गवर्नमेंट सीट का एग्जाम में सेटिंग करवा दूंगा, भैया मेरे फोन तुरंत काट देना, उसका बिल्कुल बात नहीं सुनना, क्योंकि यार जो चीज आप लोग हिम्मत करके कर सकते हो, जो पढ़ के कर सकते हो, वो पैसे देके बिल्कुल नहीं। जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले मुझे बताया कि उनको एक कॉल आया था, उन्होंने कहा मुझे कि उनको कहा जा रहा था कि आप मुझे पहले 2 लाख रुपए पहले डिपॉजिट करो, उसके बाद आप लोग जब एडमिशन करवाना होगा, जब एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर मैं कुछ सेटिंग करूंगा, उसके थ्रू आप वहां पर एडमिशन करवा सकते हो, और उसके बाद आपको लगभग 60 लाख रुपए देने होंगे, ठीक है। तो सर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब भी अगर किन्हीं को इस प्रकार का कोई भी कॉल आता है तो बिल्कुल इस बात से अवेयर रहे, ये कॉल बिल्कुल और बिल्कुल फ्रॉड है, ओनली ऑन फ्रॉड है, ठीक है। इससे आप लोगों का ओनली ऑन सिर्फ पैसा जाने वाला है, बिल्कुल कहीं एडमिशन और कोई उनका एडमिशन नहीं मिलती है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इस बात से बिल्कुल अवेयर रहना है, इस बात से सचेत रहे कि आप MBBS ओनली ऑन पढ़ के ही क्वालिफाई कर सकते हैं, ना कि आप लोग कुछ भी करके, किसी को पैसे देकर, किसी को पैसे खिलाकर, सिटिंग अरेंजमेंट करवाकर, अपने हिसाब से अरेंजमेंट करवाकर, अपना क्वेश्चन पेपर लीक करवाकर या फिर क्वेश्चन पेपर लीक करवाकर, अरे भाई मेरे लाखों स्टूडेंट बैठ के लिखते हैं यार एग्जाम, 17 लाख 18 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं,
आप ऐसा करोगे, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है सर। ठीक है, तो मैंने बस वीडियो में जो भी कहा है वो ओनली ऑन मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि मेरे जैसा ही हो या फिर कोई भी आप लोग को ये बात कहता हो कि सर हम आप हमको 2 लाख रुपए दीजिए या फिर 1 लाख दीजिए या 50,000 दीजिए, प्रलोभन दे रहा है आपको, तो सर प्लीज उससे दूर रहिए, दूर इससे उससे दूरी बना के रखिए। क्योंकि अगर वो आपसे ऐसा कहता है तो जाहिर सी बात है आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। जो आप पढ़ के एडमिशन करा पाओगे वो सर फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलता है। जो पढ़ के जो मजा मिलता है ना सर एडमिशन लेने में, वो कहीं नहीं है पैसा देके। ओके, आई होप आप लोग मेरी बातों को प्यार से समझ पाए होगे, मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होगे, मैंने जो भी बिल्कुल लॉजिकल बात कही है। इसी तरह से लोग कहते हैं ठीक है मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं एडमिशन करवा दूंगा, आप मुझे इतने दो बाद में इतने देना, एग्जाम होने के बाद दे देना यार, एग्जाम के एडमिशन होने के बाद दे देना, रिजल्ट के बाद दे देना, ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग किसी पे ट्रस्ट ना करें, ठीक है, ओनली अपने पे भरोसा रखें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें और अपना एग्जाम लिखें, ना कि किसी फ्रॉड के चक्कर में फंसे। ओके, तो ये मेरी न्यूज सभी के लिए, जितने भी नीट एस्पिरेंट है सभी के लिए है। आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग प्लीज इस फ्रॉड से जरूर बचे रहें। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक तो बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बिल्कुल आप लोग यार ध्यान रखोगे मेरे स्टूडेंट को, बिल्कुल और बिल्कुल उल्लू नहीं बनना है यहाँ पे। ओके।